नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्लास 8th और कक्षा 5वीं के रिजल्ट के उपरांत आपको उसकी मार्कशीट कैसे प्रिंट करनी होगी। स्कूल स्तर पर आपको जैसे TC जारी करते हो तो उनके लिए अंक तालिका आने में देरी होगी, तो कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं। साथ ही सब्जेक्ट वाइज ग्रेड या सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आप किस तरह से देख सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में जाकर सारा दर्पण टाइप करेंगे। सारा दर्पण के उपरांत आपने जो पहले ऑनलाइन आवेदन किए थे उसी पोर्टल को सिलेक्ट करेंगे, कक्षा 5th एग्ज़ाम को, और यहां पर के जाकर के आपको लॉगिन ऑप्शन पे जाकर लॉगिन करना होगा। यहां पे आप जनरल रिजल्ट देख सकते हैं प्रत्येक स्टूडेंट का। लॉगिन के ऊपर जाके स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करके यहां पे अपनी सारा दर्पण ID और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत लॉगिन पेज आपका होम पेज ओपन होगा, स्कूल का डैशबोर्ड जिस पे आपके कितने आवेदन हुए हैं वो संख्या 100 हो रही होगी जैसे पूर्व में आपने किया होगा। यहाँ बाई तरफ 3 लाइन डॉट जो दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रिपोर्ट्स और एग्ज़ाम एक्टिविटी का। तो एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर आपने पूर्व में आवेदन भरे हैं, सेशनल मार्क्स की एंट्री की है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए हैं, यहाँ पर समय की सूची भी आप देख सकते हैं। साथ ही एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम और स्टूडेंट ग्रेड वाइज रिजल्ट रिपोर्ट। तो आप दोनों रिजल्ट देखने के लिए दोनों के ऊपर अलग अलग क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप समेकित रिजल्ट मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा परिणाम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेशन को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ कक्षा सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से आपने सेशन सेलेक्ट किया, यहाँ कक्षा को 5वीं का देखना चाहते हैं 5वीं 8वीं का 8वीं, और फिर गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह से सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, रिजल्ट का यहाँ पे किस तरह से यदि पास्ड बाई ग्रेस हुआ है या पास हुआ है, सप्लीमेंट्री है, किस तरह से वो रिजल्ट आपका शो यहाँ होगा। और यहाँ एक्शन बटन पर आता है, व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आता है। व्यू रिजल्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट की मार्कशीट ओपन होगी, साथ ही प्रिंट ऑल पे यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे समस्त विद्यार्थियों की मार्कशीट ओपन होगी जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ पे TC जारी करते वक्त ये साथ में आप विद्यार्थी को दे सकते हैं। और व्यू रिजल्ट पे जाएंगे तो एक एक विद्यार्थी का अलग अलग खुलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हुआ तरीका यहाँ से निकालने का। दूसरा होता है सब्जेक्ट का, तो इसी रिपोर्ट के अंदर जाते हैं। जैसे आप रिपोर्ट के निचले वाले कॉर्नर में दिख रहा होगा स्टूडेंट ग्रेड वाइज रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेशन सेलेक्ट किया ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे 8वीं या 5वीं जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे विद्यार्थी के रोल नंबर आएंगे, स्टूडेंट का नाम आएगा और यहाँ सब्जेक्ट वाइज ग्रेड होगा। अब ग्रेस किस में लगा यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, +3 का ग्रेड इंग्लिश में लगा। इसी तरह समस्त ग्रेड आएंगे, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज समस्त ग्रेड होगा, इसकी भी आप प्रिंट ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ाओगे तो आपके सामने इसी तरह आर्ट, एजुकेशन या हेल्थ में किस तरह से आपके ग्रेड शो हो रहे हैं वो, और यहाँ फाइनल ग्रेड आएगा अंत में, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट शो होगा किस तरह से विद्यार्थी पास हुआ है या ग्रेस लगा या सप्लीमेंट्री है। यदि किसी की सप्लीमेंट्री है तो वो इस तरह से शो होगी, सप्लीमेंट्री का ऑप्शन शो होगा। तो इस तरह से आप समय की सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट अपने विद्यालय का देख सकते हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड के उपरांत रिजल्ट के उपरांत जारी होने के बाद ये आप रिजल्ट यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।